हमारी आज की कहानी है माँ जाओ मेरा काम करो। मेरी लिखी कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। करीबन 8 बज रहे थे। अमर ऑफिस से घर लौटा और उसने देखा कि उसकी पत्नी स्वाति खाना बना रही थी। उसकी माँ बैठकर अखबार पढ़ने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी और उसके बच्चे टीवी देख रहे थे। अपनी माँ को देखकर अमर को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए उन्हें नज़रअंदाज किया और स्वाति के पास जाकर कहने लगा, ये माँ अभी तक यहाँ क्यों बैठी है? स्वाति ने अमर को टालते हुए कहा, देखो मैंने आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है, फटाफट हाथ मुँह धो लो और खाना खा लो। इतने में अमर की माँ ने उसे आवाज़ दी और कहा, बेटा तू ऑफिस से आ गया, कैसा रहा तेरा दिन? अपनी माँ की बात का कोई जवाब ना देते हुए अमर गुस्से में अंदर चला गया। स्वाति चुपचाप ये नज़ारा देखती रही और अमर की माँ दुखी होकर फिर से अखबार पढ़ने की कोशिश करने लगी। डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लग चुका था। सभी बैठकर बस अमर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अमर की माँ उसे आवाज़ देने लगी, बेटा अमर खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जा। अमर आया और अपने बच्चों के साथ बातचीत करते करते उसने खाना शुरू किया। खाने का पहला निवाला लेते ही उसने कहा, स्वाति दही लेकर आओ, तुम्हें पता है ना मैं बिना दही खाना नहीं खाता। आप दही नहीं लेकर आए? मैंने आपको 2 बार फोन किया था कि आज दही नहीं जमाया है, आप बाजार से लेते आना। स्वाति ने अमर से पूछा। ओह सॉरी मैं भूल गया, जवाब आया। तभी अमर ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ जाओ और मेरे लिए दही लेकर आओ। ये बात सुनकर स्वाति चौंक गई और अमर की माँ भी उसे एक टक देखने लगी। रहने भी दीजिए, आप अगर एक दिन दही नहीं खाएंगे तो बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, इस तरह माँ को मत भेजिए, स्वाति ने अमर को समझाते हुए कहा। गंभीर स्वर में अमर बोला, नहीं मैं बिना दही के खाना नहीं खाता। माँ अगर आप चाहती हो कि मैं खाना खाऊं तो जाओ मेरा काम करो। स्वाति अमर को रोकती रही और कहने लगी, नहीं माँ आप कहीं नहीं जाओगी, अगर इन्हें दही खाना ही है तो ये खुद ले आएंगे। अमर ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ऑफिस से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, माँ आप बैठी क्यों हैं, जाइए और दही लाइए। अमर की माँ चुपचाप उठी और अपना खाना छोड़कर दही लेने निकल गई। आपका दिमाग तो ठीक है, इस तरह माँ को इस उम्र में कैसे भेज सकते हैं? स्वाति ने गुस्से में अमर से पूछा। अमर ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को कहा, बच्चों जाओ दादी माँ के साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्वाति अमर को आश्चर्यचकित होकर देखती रही कि ये एक तरफ तो अपनी माँ को इस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को भी उनका ख्याल रखने के लिए भेज रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? अमर ने मुस्कुराते हुए स्वाति की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो वॉक नहीं करेंगी तो उन्हें दोबारा दिक्कतें होती रहेंगी। इतनी बार कहने के बाद भी जब मैं ऑफिस से आया तो मैंने देखा कि वो आज भी वॉक पर नहीं गई, इसलिए मैंने उन्हें भेजा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ अपने लिए ना सही लेकिन मेरे लिए ज़रूर जाएंगी। अपने पति की ऐसी सोच सुनकर स्वाति को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उसकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद माँ और बच्चे दही लेकर लौटे। माँ अमर के पास आई और उसका कान खींचते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ, तू जानबूझकर दही नहीं लाया ना, ताकि मैं वॉक करने चली जाऊँ, अब कल से दोनों साथ ही दही लेकर आएंगे, समझा? इतना सुनकर सभी हंस पड़े।